यहाँ पे ना है इस समय, इस टाइम पे, इस मंथ में ना है, और आए तो इसका साथ जिसका वीडियो जिसका चाहे बेस्ट समय यहाँ पे आने का है अगस्त में, आप आ सकते हैं। अभी देखिए आपको इसे सूखा सूखा थोड़ा मिलेगा, अगस्त में पूरा भरा हुआ रहेगा। आइए यहाँ के लोकल से पूछते हैं, तो सर आप यहाँ सत्रह किलोमीटर में से हम लोगों ने 9 किलोमीटर कवर कर लिया है, बाकी का 10 किलोमीटर जो है हम लोग को इस तरफ जाना है। कल हम लोग फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं, 15 मिनट हम लोग का टाइम बर्बाद करने के बाद बारिश कम हो चुकी है, तो हम लोग निकलने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों रास्ता देख सकते हैं आप लोग, कितना खराब रास्ता है, बहुत हिल रहा है, बहुत हिल रहा है रास्ता, इतना बेकार। और कितना मिनट दिखा रहा है? सुन ले थैंक यू। নো ভাই কত কি পড়ছে তাহলে পার হেড 100 করে করে একজনে পার হেড কতক্ষণ মানে ঘোরাবে ওদিকে আধা ঘন্টা অনেক দূর অনেক দূর আধা ঘন্টা বেশিও ঘুরাই দেব চলো যদি যাও আধা ঘন্টা করে ঘুরাই কোথা থেকে শুরু হবে ওই আর একটু আগে যেতে হবে আরো আগে এগিয়ে যেতে হবে তো ঠিক আছে চলো দেখি চলো What's up? This is Vineet. You are watching Xylo Emox Vineet. तो गाइज आज हम लोग एक छोटी सी जगह बट वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बोरतीर बिल, लेकिन मैंने इसको एक अलग नाम दिया है, द दाल लेक ऑफ कोलकाता। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग को आज कंपनी देने के लिए है ऋतिक, आतिफ और आयुष, और यह ऋतिक की बाइक N160 और मेरी एंटॉक 125 VS4 2019 मॉडल। तो लोग बैठ जा, फिर मैं बैठता हूँ। आराम से जूतो तक खुले दी था बीचों बीच। चल सबसे पहले सबसे ज्यादा वेट वाला आदमी को बैठा लिया। जूतो पड़ा छे भाई, तुम बोलते हो ना बोल दो आराम से आराम। विनीत देखो तो तेरे को आराम से आराम से। भर्ती बिल पे वीडियो बनाएगा ना लेबन। देखेगा लास्ट में आस्ते आस्ते अंदर चलते बैठी है, मिडिल मिडिल करो बस, मिडिल में बैठी है। मेरे को सामने बैठने देना भाई। आइए आइए सर। ए भैया अबे जा ना इधर से। कहाँ से? इधर से देख, कहाँ रखा है? हम लोग इधर, उधर प्रेशर दे, इधर तो प्रेशर दिए है ना तू। बिल्ला भाई बहुत तेज, एक प्रेशर छोड़ने का मतलब प्रेशर छोड़ना, प्रेशर मत छोड़ना। ऑलरेडी लेट्स गो। टाइम देना कितना बजे? टाइम 5-7 बजे। ओवर जाऊंगा।
मेरे पीछे बैठा ऋतिक, उसके बाद आतिफ, उसके बाद गोलू उर्फ आयुष, और हमारे एक बोट के ड्राइवर भाई की नाम भाई तुम्हारा सुमन विश्वास। जब जब पास से लेके जा रहा ना भाई, डर लग रहा है कि बगल से सांप वगैरह कुछ आ जाएगा, तो कोई देख। लेकिन ये खेत है, सब जानता है खेत है, भर गया है। एक लोग किसेर गाज भाई, धार ओ अच्छा गुरुड़ा खाए थे। तो यह बता रहे थे कि हम लोग जाने जहाँ से हम लोग जहाँ पे हम लोग ने गाड़ी पार्क करी है वो भी पूरा भर जाता है बारिश के मौसम में। अभी मोटा मोटा मानसून शुरू हो चुका है, तो कुछ ही दिनों में ये पूरा एरिया जो है पानी से भरने वाला है, जो कि और भी अच्छा और एटा की रे भाई वो सारा देखा नहीं था के जो मछलियाँ पकड़ते वो रात भर यहीं पे स्टे करते हैं। अबे कैसे रहता हो, भागेगा कहाँ यार? अभी तो ये सब दिख रहा है पत्ता वगैरह, वो भी नहीं दिखेगा कुछ देर बाद। ये एक बात अच्छा, यहाँ का शांत है भाई पूरा। वो रहा हम लोग जहाँ पे गाड़ी पार्क किए, वो देख दिख रहा अब। एक लो साफला फूल ना, साफला भाई अरे वही लोटस। ओ अच्छा लोटस, बस वो देख साफला बोला, बोल दिया उसका मतलब भी बताओ। अरे हिंदी में लोटस, हाँ तभी से बोलो हिंदी में लोटस नहीं, हिंदी में कमल। शेयर करें प्लीज। तो ये ऐसे फ्लावर्स यहाँ पे उगते हैं, जिसको बोलते हैं साफला पत्ता ना, साफला फूल, लोटस लोटस। अब लोटस लेकिन ऑरेंज होता है हिंदी, इट्स कमल का फूल, बीजेपी। अरे हिंदी में बीजेपी, पॉलिटिकल बात नहीं होगा ब्लॉग में, ठीक है भाई। मेढक देख लिया, मेढक ये देखे 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 भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। जब शादियों का सीज़न होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे प्री वेडिंग शूट के लिए ये नाव वगैरह बुक करते हैं। सेम प्राइस वगैरह सेम रहता है, 100 पर हेड। तो यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए भी अच्छी जगह है। जैम हो गया, ट्रैफिक जैम भी नहीं होगा। कितना हो रहा टाइम, कितना बजे हम लोग स्टार्ट किए थे? 5:10 में। तो कितना देर हुआ, आधा घंटा हो गया? अच्छा, तो हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं वापस। एज यू कैन सी, रुक हमको उतर जाने दे, रुक 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 रुक, आओ आओ आओ, ऑल गुड भाई को पेमेंट दे दो, नहीं तो लगा दिया। हम इसलिए बोल रहे थे कि कैश लेके निकल का भाई, बार्गेनिंग स्किल्स दिखा रहे हैं। 350 देखो भाई, मेहनत किया है, क्या है 50 रुपये काट के कहाँ जाएगा। अरे भैया तुम दो ना भाई, ऐसे कर रहा आदमी खड़ा है वहाँ पे। तो जहाँ से सब बोट वगैरह को स्टार्ट करा जाता है, ठीक उसके ऑपोजिट में एक शॉप भी है, यहाँ से चाय नाश्ता कर सकते हो। बोट पे चढ़ के तो बड़ा मजा आया। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे पहुँचना कैसे है। 12/7 से नीलगंज बैंकेर मोड़ पहुँचना है, वहाँ पे आपको ऑटो टोटो वगैरह मिल जाएंगे, जिसका फेयर 20-25 रुपये है, ज़्यादा नहीं होगा। तो वो लोग आपको यहाँ पे लाके छोड़ देंगे डायरेक्ट यहाँ तक बोर्ती बिल तक। तो आप वहाँ से आ सकते हो। प्राइवेट व्हीकल हो तो आई थिंक बेटर होगा, क्योंकि यहाँ का रोड वगैरह कुछ खास है नहीं, इस तरीके का ऑफ रोड है, गड्ढे वड्ढे पूरे भरती हैं। तो मेनली शाम को यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, और मानसून सीज़न में और भी ज़्यादा भीड़ होती है। बाय द वे हम लोग लास्ट वीक ही आने वाले थे, लेकिन उतनी बारिश हुई नहीं थी, तो इतना भी पानी भरा नहीं हुआ होगा। इस लास्ट वीक बहुत बारिश हुई है, इस वेडनेसडे को हम लोग आए हैं तो मोटा मोटा भरा हुआ है पूरा। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से भी मैप का लोकेशन ट्रैक करके यहां पे आ सकते हो। बाइक के टायर्स का कंडीशन कुछ ऐसा है, पूरा ऑफ रोडिंग की है बाइक, N160। धो दीजिएगा बाइक को, थोड़ा नहलाना धुलाना होगा जो कि इनका काम है। आइए हमारा व्हील टायर का हालत देखते हैं। कुछ नहीं हुआ है, हम लोग कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ, पूरा बाइक जस्ट का तस नया है एकदम। हम लोग बस एक बाल्टी पानी मारेंगे, सब ओके हो जाएगा। पीछे का टायर में पूरा गंदगी भरती है। कहाँ का लोकेशन डाला है? यहाँ से डीप अभी का लोकेशन डाला है। रास्ता इतना यहाँ पे मोड़ है, यहाँ पे कोई नया बंदा आएगा वो घूम जाएगा, ठीक है। क्या चलाना, हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन पीस आउट। यहाँ आने से पहले बोला था कि गाड़ी यहाँ पर रखेगा तो गाड़ी चोरी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन गाड़ी एक्चुअल में चोरी होती नहीं है, क्योंकि एक बंदा यहाँ पे खड़ा रहता है आपके इसके साथ। तो चोरी बोले तो उसका मुंह क्या दिखा रहा है।
अब छोड़ लग रहा था।